In the previous section, if you remember, we have discussed about the equivalence relation. And in the equivalence relation, we have discussed that, discussed about the reflexive relation, reflexive symmetric, as well as transitive relation. ठीक है, इफ यू हैव वॉच्ड दैट सेशन, अगर आपने वो सेशन अच्छी तरह से देखा है तो उसमें मैंने बोला था आपको these three relations are in the NCERT. ठीक है, but sometimes in the competition they have a question on anti-symmetric relation. So this is the anti-symmetric relation. This is going to be a small session. ठीक है, this is the anti-symmetric relation. As per the name itself demands, anti-symmetric means opposite of that of symmetric. Opposite of that of symmetric. But we have two opposite relation for the symmetric. That is, one is the asymmetric and other is anti-symmetric. Asymmetric is completely opposite to that of. Completely opposite to that of symmetric. But anti-symmetric is a bit liberal. ठीक है, liberal to the anti-symmetric. Liberal to the anti-symmetric means some of extra conditions are there. ठीक है, जिसमें वो थोड़े से elements ordered pairs को increase कर देता है anti-symmetric के बीच में. हम explain करता जाता हूँ. ठीक है, for example मेरे पास A set है. A set है 1, 2, 3. ठीक है, अब A set के मैंने ordered pairs तैयार करने की कोशिश की. ठीक है, this is the method हम किस तरह से ordered pairs तैयार कर सकते हैं. मैंने ordered pairs तैयार करने की कोशिश की. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1, 1 एक आया 1, 1, ये हो जाएगा 2, 2, ये हो जाएगा 3, 3. ठीक है, इसी तरह से ये 1, 1, ये 2, 1, ये 3, 1, सिमिलरली ये 1, 2, ये 2, 2, ये 3, 2, सिमिलरली ये 1, 3, ये 2, 3. तो ये मेरे पास क्या निकल के आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स निकल के आ रहे हैं फॉर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, फॉर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए. ठीक है, अब हमने इसमें क्या देखना है, अगर आप एंटी सिमेट्रिक को देख के चलोगे, एंटी सिमेट्रिक में वो बोल क्या रहा है, कहता फॉर गिवन एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू द रिलेशन देन वाई एक्स शुड नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, बट एंटीसिमेट्रिक इज अ बिट लिबरल टू डेट ऑफ सिमेट्रिक. थोड़ा बहुत उसने एक कंडीशन एक्स्ट्रा दे दी. एसिमेट्रिक में तो 100% श्योर है ना कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा. इसमें इसने एक कंडीशन एक्स्ट्रा दे दी कि देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ, वैसे तो वाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है, बट इसने इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी कि अगर वाई एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, देन y should be equal to x. ठीक है, which means सारे के सारे diagonal elements निकल गया इसके. Which means सारे के सारे diagonal elements are anti-symmetric. और सारे के सारे anti, क्यों? वो anti-symmetric की condition को belong कर रहे हैं. ठीक है, for example हम यहाँ पर examples देके चलते हैं. यहाँ पर मेरे पास first example है, phi आ गया. ठीक है, अब मेरे पास a set है 1, 2, 3. ठीक है, फाई. अब मैं फाई को शुरू करने से पहले, हमने पहले ही बोला था कि रिलेशन इज द सबसेट, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब सबसेट है, अब अगर आपको याद हो पावर सेट के अंदर, ठीक है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर सेट, तो फाई तो हमेशा एक सेट होता ही होता था, सबसेट होता ही होता था. ठीक है, सो श्योरली वाई कैन बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ठीक है, वाई इज 100% द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. नाउ
अब चेक करना है कि मेरा y एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं है. फॉर दैट पहले मैं आंसर दे रहा हूं आपको 100% ये एंटीसिमेट्रिक, ठीक है, 100% एंटीसिमेट्रिक है. क्यों मेरा ये एंटीसिमेट्रिक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है. अब ये बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है. अब अगर कंडीशन को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है, तो एंटीसिमेट्रिक डिमांड नहीं कर रहा किसी चीज की कि ये चीज मुझे चाहिए, ठीक है. एंटीसिमेट्रिक डजंट डिमांड एनीथिंग, ठीक है. एंटीसिमेट्रिक एक कंडीशन को दे रहा है कि अगर ये होता है तो दैट शुड ऑल्सो हैपन, ठीक है. वो एक कंडीशन की काम कर रहा है, कंडीशन के ऊपर काम कर रहा है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को एंड इफ यू वॉन्ट कि वाई एक्स शुड ऑल्सो बिलोंग टू द रिलेशन. वैसे तो वाई एक्स बिलोंग करना नहीं चाहिए, पर वो आगे एक हैपनिंग की बात कर रहा है कि इवेंट अगर इस तरह से हैपन हो भी जाए, ठीक है, अगर वाई एक्स बिलोंग कर भी रहा है देन y should be equal to x होना चाहिए, then y should be equal to x. मतलब वो किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन वो सर्टन इवेंट की हैपनिंग की बात कर रहा है कि अगर ये हो जाता है तो ये होना चाहिए, ठीक है. तो दिस इज द रीजन के y इज द एंटीसिमेट्रिक. अब अगर वो चीज अक्कर ही नहीं कर रही, ठीक है, वो कंडीशन अगर अक्कर ही नहीं कर रही देन वो तो श्योरली एंटीसिमेट्रिक होगा फाई के अंदर, ठीक है. एक्स वाई भी नहीं है, y x भी नहीं है, phi का मतलब क्या है, null set. phi का मतलब क्या है, null set. अब जिसमें ये वाली condition happen ही नहीं हो रही, ठीक है, in those sets, in those relations, sorry, in those relations जिनके अंदर ये वाली condition happen ही नहीं कर रहा, ये वाला event happen ही नहीं कर रहा, वो तो हर वो सारे के सारे relation antisymmetric तो होंगे ही होंगे, ठीक है, जिनके बीच में. अब phi के बीच में ये वाली event happen ही नहीं कर रहा, अगर ये वाला event happen नहीं कर रहा तो phi is surely antisymmetric. Why is surely anticipating. आगे बढ़ते हुए जा रहे, ठीक है, A cross A. अब A cross A आपके सामने ये सारा A cross A ही बनाया हुआ मैंने, ठीक है, this is A cross A. अब A cross A में मेरे पास क्या आ रहा है, 2-1 आ रहा है, ठीक है, A cross A के अंदर, ठीक है, पूरा का पूरा ही उसने ले लिया पूरा सब, ठीक है, A cross A ही उठा लिया. अगर 2-1 लाए कर रहा है, ठीक है, 1-2 भी लाए कर रहा है, ठीक है, यहां पर A क्रॉस A का मतलब क्या, पूरा का पूरा रिलेशन ही A क्रॉस A आ, ठीक है. अब इस रिलेशन के अंदर 1-2 लाया कर रहा है, 2-1 भी लाया कर रहा है, यार एंटीसिमेट्रिक में उसने ये चीज पक्का बोली हुई है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है वाई एक्स शुड नॉट बिलोंग टू एंटीसिमेट्रिक एंड इफ दिस इज हैपनिंग देन वाई शुड बी इक्वल टू एक्स, वाई शुड बी इक्वल टू एक्स. अब यहां पर 2 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, एक तो so this is surely not an antisymmetric relation. अब आगे चलते हैं, 1-1 कर रहा है, event is happening, ये वाला एक event है, happen कर रहा है, ठीक है, 2-2 कर रहा है मेरा event, 3-3 event कर रहा है, this is surely antisymmetric. क्यों कर रहा है ना, कि अगर x y belong कर रहा है, अगर मैं मान के चलूं 1-1, ठीक है, अगर मैं suppose करके चलूं कि compare करके चलूं इसे, ठीक है, कि ये एक्स वाई है तो ऑब्वियस है वाई एक्स भी आ रहा है और यहां पर कंडीशन भी आ रही है वाई इज इक्वल टू एक्स की, क्यों, 1 = 1 ही निकल के आएगा. इसी तरह से 2, 2 ऑर्डर पेयर के लिए, 3, 3 ऑर्डर पेयर के लिए, सो दिस इज श्योरली एन एंटीसिमेट्रिक, दिस इज श्योरली एन एंटीसिमेट्रिक, ठीक है, ये सारा का सारा मेरा क्या निकल गया है, एंटीसिमेट्रिक निकल गया है. सिमिलरली अगले ऊपर आते हैं, अब 2-3 ऑर्डर पेयर है, ठीक है, अगर 2-3 ऑर्डर पेयर आ रहा है मेरा रिलेशन के अंदर देन मेरी कंडीशन क्या है कि 3-2 शुड नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, एंटीसिमेट्रिक में ये तो पक्की बात है ना, ऑपोजिट डेट ऑफ सिमेट्रिक है. अगर 2-3 आ गया तो 3-2 नहीं आ रहा, अब यहां पर तो 3-2 भी आ गया, सो दिस इज नॉट एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन. अब फिफ्थ एग्जाम्पल 1-1, ठीक है, 2-2 डायगोनल एलिमेंट्स, मैंने पहले ही बोले हुए डायगोनल एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ एंटीसिमेट्रिक, ये तो होते ही होते हैं एंटीसिमेट्रिक, ठीक है, दीज आर एंटीसिमेट्रिक ओनली, ठीक है. इसी तरह से 2-3, हाँ भाई 2-3 आ रहा है. अब 2-3 का ऑपोजिट 3-2 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, 1-3 का ऑपोजिट 3-1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो दिस इज श्योरली एन एंटीसिमेट्रिक, दिस इज श्योरली एन एंटीसिमेट्रिक. सो दिस is what we are going to discuss, ठीक है, कि हमारे पास क्या निकल गया है, एंटीसिमेट्रिक का एक कंसेप्ट निकल गया है. दिस इज ओनली फॉर द कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में एंटीसिमेट्रिक के ऊपर कुछ नहीं पूछने वाले, ठीक है. सो
This is the end of the session. Thank you.